वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज है हमारी एनिवर्सरी ईव, मतलब कल हमारी एनिवर्सरी है, आज लाइक एनिवर्सरी ईव है। तो मैंने सोचा है कि हमने ना पहले ही प्लान कर लिया कि हमें हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे क्या करना है, ठीक है। तो रुचु को ऐसा लगता है कि हमने ना वही, मतलब कल वही करने वाले हैं और कुछ ज़्यादा कुछ करने नहीं वाले, बस वही प्लान है हमारा एनिवर्सरी के लिए। लेकिन मैंने एक सोचा है क्यों ना उसे आज रात के 12 बजे सरप्राइज़ किया जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं रूम वगैरह डेकोरेट करूँ और केक वगैरह मंगा के ऐसे मस्त सी पार्टी टाइप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँ आज रात 12 बजे। तो उसके लिए मैं आज प्रिपेयर करने, और रुचि को कोई आइडिया नहीं है उसके लिए, एकदम सरप्राइज होंगे ये। तो ये देखो जो रूम दिख रहा है ना आपको, ये मेस, ये मैंने किया अभी, ये डेकोरेशन का सामान लेके आई हूँ मैं। और हाँ, और मुझे ये सारा डेकोरेशन करना है रुशु से बच के, कि भाई उसको पता ना चले कि हाँ कुछ तो हो रहा है, उसको एकदम पूरा प्योर सरप्राइज में चाहिए, क्योंकि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने केक का ऑर्डर दे दिया है जो बस आता ही होंगे। हमारा केक आ गया है, चलो चलो। ऊपर से थोड़ा सा खुला है, खोलूंगी से पूरा, ये देखो। तो चलो यार, केक बहुत अच्छा है, जैसे एक्सपेक्टेशन था वैसे ही। इसको फ्रिज में रखते, बस रुशु फ्रिज ना खोले, क्योंकि मैं इसको ना बाहर रख नहीं सकती, आप इतनी गर्मी हो रही कि पिघल जाएगा, इसकी आइसिंग पिघल जाएंगी। चलो इसको फ्रिज में रखते हैं। बस इसका टॉपर हटा दिया है क्योंकि केक मान ही रहा था फ्रिज में, नहीं तो ऐसे कितना सुंदर लग रहा है यार, एक्सपेक्टेशन फुलफिल। चलो इसको बंद कर देते हैं। मैंने इतना कर लिया है कंप्लीट, टेंट और वो हैप्पी एनिवर्सरी का इतना खूबसूरत लग रहा है, वाह। अभी बलून सारे बच्चे हैं और मेरे हेयर्स को इग्नोर करो कि मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ क्योंकि मैं रेडी हुई तो होना है इतने बिग डे के लिए। तो और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ओके ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी बलून्स और अभी कैंडल्स बाकी हर चीज़ आने वाली, तो आई होप बहुत अच्छा लगे। पूरा रूम एकदम डेकोरेट करके छोड़ दूंगी मैं। खाना आ गया था बाहर से, तो सर नीचे से आवाज़ आई, खाना खाने जल्द ली आ जाओ। मैं डर के मारे जल्दी से भाग के आए, कहीं ऋषु ऊपर ना आ जाए
मस्त रेडी होगी। मैंने पार्टी में साड़ी पहन ली है और अब टाइम है ऋषि को बुलाने का, एकदम 12 बज रहे हैं, बस कुछ टाइम बचे और ऋषि को बुलाते, चलो लेट्स गो, उसको सरप्राइज देते हैं। सो हे गाइस, मैं ऋषि को फ़ोन किया है कि ऊपर आओ जल्दी से, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो वो सोच रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट काम है, उसको डाउट तो है लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसा कुछ सेलिब्रेट करूँ। लगा आपको गाइस, मुझे ना कमेंट करके बताना, मैं ना आपको ऋषि के रिएक्शन भी बताऊँगी, वो आते ही होंगे, मैंने फ़ोन तो कर दिया है। आ गया शायद, हाँ खुला ही है। Oh my God, क्या करी तू ये सब? Surprise! करी तू ये? Surprise! Oh भाई, कब करी ये सब? कैसा लगा मेरा surprise आपको? Oh my God! कैसा लगा? Superb, मस्त। Expected था कभी? Expected? इतना तो नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं था। और यार photos वाला मैं देखूँ तो एक मिनट हट। क्या? Oh भाई, ये photos वगैरह कैसे लाई तू ये सब? हाँ बीवी की सब जुगाड़। ओ भाई कितनी प्यारी प्यारी फोटो यार, मस्त लगा एकदम। ओ यार कितनी मस्त, देखना ये हमारी मुंबई वाली है, याद आया कुछ? हाँ हाँ कैसा लगा आपको फिर? सुपर यार सुपर। कटे से लाइक कब करी तू ये सब? सरप्राइज तने, सच में हिंट नहीं देना बिल्कुल भी। अच्छा बिल्कुल नहीं, मैं पता तो थोड़ा बहुत करेंगे तो मैं इतना करेंगे नहीं पता था मना। सही है? Yes, I'm successful. ऋषि फोटो छोड़ दो। ऋषि कटा सा लगाई तो ये सब अपनी पुरानी मेमोरीज। अरे ये लाइक कटा सा मन ये लाइकिंग सर, ये फोटोज लाइक कटा सा सब जुगाड़ है मेरा। और पता है ये सारी, मैं अपने व्यूवर्स को बता, ये सारी ना 4 साल की फोटोज है हमारी, विद शादी, शादी के पहले, शादी के बाद, सारी मेमोरीज। नहीं यार कितने मस्त है, ये फोटो कटे सब खराब करी यार तू ये सब। बैठो यहाँ, यहाँ आके बैठना था, यहाँ यहाँ ये जगह पे, ये जगह पे ठीक है, अच्छे से बैठना और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाना, पीछे थोड़ा थोड़ा, हाँ बस यही ऐसे बैठना, ठीक है? ठीक है एंड एक मिनट है मेरा। कैसा लगा? सुपर एकदम। सो है गाइस, दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा, हमने तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमारे एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।